हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम गांव आए हुए हैं, तो हम गांव में कुछ पौधे लगा दिए थे कंट्रोल आके, तो चलिए उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेल कंटोला प्लांट है। यहाँ पर हमने कुछ जालें लगा दिए हैं, ये बरबट्टी का पेड़ भी लगा दिया, इधर भी एक कंटोला का प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। अभी ये सब ऊपर चला गया, तो आज हमने गांव आए थे तो हम कुछ खंभे भी गाड़े, ये सारे के सारे ऊपर चले गए हैं, अभी उनको ऊपर फैलाना है। ये भी कंटोला का प्लांट है, ये फीमेल वाला है, नीचे भी लगा हुआ है, दो चार तोड़े हैं और ये दोनों आज पॉलिनेशन के लिए हैं। देख रहे हैं पूरा ऊपर चले गए हैं, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ा तो हमने खंभे गाड़े और उनके ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पर बीच में एक मेल कंटोला प्लांट है, सारे के सारे पूरा ऊपर चले गए हैं। ये भी एक फीमेल वाला है, फीमेल प्लांट, ये कल खिलेगा, इसका पता नहीं, ये लास्ट वाला है, अभी तक पता नहीं चला। यहीं पर हमने कुछ सात आठ पौधे लगा दिए थे जो हमारा छत है वहाँ पर जो लगाए थे वो यहीं का बीज है, यहीं पर लगाए थे। ये देखिए, ये भी कंटोला का है, ये फीमेल है क्योंकि इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुआ है, ये बहुत झाड़िया हो जाता है, अंदर जा नहीं सकते, तो पककर यहीं पर गिर जाता है, तो यहीं पर नेक्स्ट सीजन में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। पौधे वो मेल था, ये फीमेल वाला है, यहाँ पर भी एक है, देख सकते हैं आप। इसका तना रूट से कहाँ है, ये भी फीमेल वाला है, मेल में अभी तक फूल आ जाना चाहिए था। देख रहे हैं ये खंभा हमने तीन ठो आज गाड़े हैं, ये देख सकते हैं ये मेल वाला है, मेल प्लांट, और उसके आगे यहाँ पर एक फीमेल है। तो इन सब की तैयारी में आज जुटा हुआ था, तो आज हम वहाँ जहाँ रहते हैं उसका छत का नज़ारा आपको दिखा नहीं सकते, तो आज सोचे कि गांव का नज़ारा ही आपको दिखा दें। यहाँ पर भी देखिए, ये एक छोटा सा है, इसके अंदर कहाँ पर रूट से हम अभी खोज नहीं सकते, तो हम जब ये सब थोड़ा सा क्लीन किए हटाए, मे भी इनमें से वो टूट भी जा सकता है, थोड़ा से हटाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वो जाले में लगाए हैं उसको हम ऊपर चढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक अच्छा से चलेगा, फिर दिसंबर तक भी वो फ्रूटिंग देता है गाँव में, क्योंकि बहुत झाड़ियाँ हैं, नीचे का नमी बना रहता है। हम जब मकर में गांव आते हैं मकर संक्रांति में, तभी भी वो फ्रूटिंग देता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।